हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास सिक्स चैप्टर डेसिमल्स की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इसमें आपको राइट एज फ्रैक्शंस लिखना है इन लोएस्ट टर्म, मीन्स आपको डेसिमल्स दे रखे हैं, इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है एंड उसके बाद लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको देखिए डेसिमल में दे रखा है 0.60 लिखा हुआ है, तो पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो आप अगर पॉइंट को रिमूव करोगे तो उसकी जगह कितना आ जाएगा 100। एक डिजिट होता है तो 10, टू डिजिट पे 100, थ्री डिजिट पे 1000, ऐसे होता है, आपको याद रखना है ये चीज़। ठीक है, अब ये हो गया आपका 60/100, तो आप किस चीज़ से डिवाइड कर सकते हो? सबसे इजी होता है, अगर दोनों में लास्ट में 10 है तो आप डायरेक्ट कैंसिल, जीरो है तो आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो या 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो 10 6 60 एंड 100 को करोगे तो ये हो जाएगा 10 times, कितना हो गया आपका 6/10। अब 6/10 को हम किस से डिवाइड कर सकते हैं? दोनों डिवाइड होना चाहिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये नहीं कि न्यूमरेटर को 2 से कर दिया, डिनोमिनेटर को 5 से कर दिया, ठीक है, न्यूमरेटर को 3 से कर दिया, तो दोनों सेम नंबर से करने हैं। तो ये हो जाएगा 2 3 6 एंड 2 5 10। क्या इसके बाद भी और डिवाइड हो सकते हैं 1 के अलावा? किसी और से नहीं हो सकते 3 5? अगेन ये मत करना कि न्यूमरेटर 3 से डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 5 से तो 1 आंसर आ जाएगा, ऐसे तो सभी का आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड करने होते हैं, तो इसका आंसर हो गया आपके पास 3/5। तो हमने सबसे पहले डेसिमल को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है 0.05, पॉइंट के बाद दो डिजिट, पॉइंट हटाया तो ये हो गया 100, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो ये आ गया 5/100। तो ये तो हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट, डेसिमल को कर लिया। अब इसको करना है लोएस्ट टर्म में, तो लोएस्ट के लिए क्या करना है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना है, और ये मेरे को पता है कि ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल लर्न कीजिए, चेक करने के लिए कैसे डिवाइड होते हैं। तो 5 1 5 एंड 100 को वैसे तो मेरे लिए तो कोई टफ नहीं है, आप भी में से भी बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकियों के लिए हम रफ में करेंगे। 5 2 10, 0 0 बचा, डिवाइड नहीं होगा तो 20 times, तो कितने टाइम्स? 20 times। आपको पता भी है 25 100 होता है ना, तो ये हो गया 20 times, ये हो गया 1/20। अब न्यूमरेटर ऑलरेडी 1 है, तो वो उससे अलावा किसी से कैसे डिवाइड हो सकता है? तो अब हमें ये नहीं करना कि चलो न्यूमरेटर डिवाइड नहीं हो रहा तो डिनोमिनेटर को कर लेते हैं, नहीं, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना होता है लोएस्ट टर्म बनाने के लिए, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया 1/20। ओके, सी करते हैं। ओके, कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो ये डेसिमल में दे रखा है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 हो गया, ये कितना हो गया 75/100। ये किससे डिवाइड हो सकता है? वैसे तो मुझे पता है ये 25 से भी हो सकता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके कर लेते हैं, पहले 5 से कर लेते हैं। तो 75 को अगर हम 5 से करेंगे तो कितने टाइम्स होगा? 5 1 5 6 7, कितना लिखूँ मैं यहाँ पे 2 5 5 5 25, तो कितना आ गया 15 times। सिमिलरली 100 को 5 से आप ऐसे करके देख सकते हो, आंसर आएगा 20, तो ये हो गया 15/20। ये अगेन किससे डिवाइड हो सकते हैं? अगेन हम इनको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 3 15, 5 4 20, ये हो गया 3/4। अब हम 3/4 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? सेम नंबर से कर सकते हैं क्या? नहीं, 1 के अलावा किसी से नहीं होना, तो ये रहेगा सेम, कोई चेंज नहीं। ओके ओके, बाकी जहाँ पे थोड़ा जल्दी होता है वहाँ से खुद से करना होता है। ये दे रखा है 0.18, पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो कितना आएगा 100, तो हो गया 18/100। तो 18/100 मीन्स ये कन्वर्ट कर लिया हमने फ्रैक्शन में। अब लोएस्ट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना होगा सेम नंबर से, और वो हमें पता चल रहा है कि अगर मेरे को डिविजिबिलिटी रूल लर्न है तो मेरे को पता चलेगा ये 2 से होगा, इसको नहीं है उसको करने हैं लर्न। तो 2 9 18 एंड 100 को करेंगे तो अगेन आप रफ में कीजिए, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो आंसर आ गया 9/50। ओके, 9/50। उसके बाद ई पार्ट, ई में 0.25 डिवाइड किससे करेंगे? पॉइंट को हटाएंगे, डिवाइड करेंगे 100 से,
तो फ्रैक्शन में हो गया 25/100। जिनको पता है कि ये 25 से हो सकता है तो वो तो कर लीजिए 25 से, और मेरे अलावा है ना, और जिनको नहीं पता वो सबसे पहले कीजिए 5 से, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो आपको आता है। तो 5 5 से 25, एंड 100 को 5 से दोबारा करना पड़ेगा, पहले भी किया हमने, तो मैं लिख देता हूँ 20। तो कितना आ गया 5/20। क्या ये किसी से डिवाइड हो सकते हैं? यस, बो हेयर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैन बी डिवाइडेड बाय 5। कितने टाइम्स? 5 1 5, 5 4 20। देखो आंसर हेयर इज 1/4, बिकॉज 1/4 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर लोएस्ट टर्म, हम जो भी बोलना चाहें। ओके, नेक्स्ट है 0.125। यहाँ तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, अभी तक हमारे पास 2 डिजिट थी, तो पॉइंट हटाइए एंड डिवाइड बाय होगा 1000, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं। तो अब देखिए 125 डिवाइड बाय 1000, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब इसको करना है लोएस्ट, वैसे तो आप डायरेक्ट 25 से भी कर सकते हो, 125 से भी कर सकते हो, लेकिन किंतु हम करेंगे 5 से, ठीक है। अगेन इफ यू कैन डायरेक्टली डिवाइड इट बाय 125 और 25, इट्स अप टू यू, यू कैन डू इट, ठीक है। अदरवाइज हम करेंगे तो ये आएगा 125, करके देखना है पूरा, ठीक है। 25 आएगा यहाँ पे, एंड ये कितना आएगा, मैं ओके 5000 को कर लेते हैं 5 से, 5 2 10, एंड 20 तो वो तो फिर सेम हो जाएगा, इट विल बी 200। ओके, लेट्स इरेज आवर रफ वर्क, एंड इसके बाद सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया 25/200, तो 25/200 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं, न्यूमरेटर थोड़ी 2 से होगा, तो 5 5 जा, एंड इसको करेंगे तो 5 4 जा, 5/40 आया मेरे। उसको क्या हम दोबारा डिवाइड कर सकते हैं? यस, अभी हम इसको 5 को एक बार और कर सकते हैं, 1 and 5 8 जा 40। अगेन जिनका नहीं होता तो 40 को डिवाइड कीजिए 5 से, देखिए कितने टाइम्स आता है। वैसे तो 5 का टेबल तो आता होगा, इतना ईजी भी नहीं डिवाइड करना होता हमें ना, तो ये हो गया 1/8। क्या हम 1/8 को कर सकते हैं किसी से? यस, 1 से, लेकिन 1 से थोड़ी करना है हमें, ठीक है, 1 से कभी नहीं करना डिवाइड। ओके, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाकी हम किसी भी सेम नंबर से नहीं कर सकते, इसलिए इसका लोएस्ट आंसर हो गया 1/8। हम 2 भी से भी तो कर सकते हैं 8 को, लेकिन क्या न्यूमरेटर को कर सकते हैं? नहीं, इसलिए इसको इतना ही रहने देंगे। ओके, लास्ट पार्ट 7th का, दिस इज 0.066। पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइड बाई 1000, बिकॉज देर आर 3 डिजिट्स आफ्टर पॉइंट, इट विल बिकम 66 डिवाइड बाई 1000। आगे जीरो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन 1000 में पीछे जीरो लिख लेना, नहीं तो 1 बन जाएगा, एंड आपको पता है 1 और 1000 में तो कितना डिफरेंस होता है ना। क्या ये किसी से कैंसिल आउट हो सकते हैं? मेरे को तो 2 से आता है, मैं तो 2 से कर सकता हूँ। कितने टाइम्स? 2 3 6 0 6 2 3 6 33 टाइम्स। ओके, सिमिलरली 1000 आपके लिए डिवाइड करके देखिए, क्या जो मैं लिख रहा हूँ वो ठीक है? अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी 500। क्या ये किसी और से डिवाइड हो सकता है? अगेन इट्स अप टू यू, अकॉर्डिंग टू मी ये किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। आप एक बार चेक कीजिए कि क्या ये किसी से डिवाइड हो सकता है, हो सकता है तो बताइए, अदरवाइज दिस इज द आंसर इन द लोएस्ट टर्म। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 33/500। इसके हमने सभी पार्ट्स कर लिए हैं, थैंक यू।